Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 24 मार्च 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:29 हो रहे हैं। काफी कल का पैनिक भरा दिन था, दूसरा ट्रेडिंग सेशन था इस महीने में जहां पर लोअर सर्किट हिट हुआ था और पौने घंटे के लिए मार्केट बंद हुआ था। तो पैनिक काफी अभी भी मार्केट में बरकरार है, लॉकडाउन है पूरे इंडिया में, कल तो कर्फ्यू लगा दिया है। तो आने वाला दिन, आने वाले पीरियड कैसे होंगे मार्केट के लिए, ये एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का पिक्चर है 23 मार्च, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का जो प्लान था हमारा ब्रेकडाउन लेवल और सेकेंड टारगेट, उसी के नीचे काफ़ी ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्लान यहाँ पर तो कोई शुरू में ट्रेड नहीं बनता। मार्केट लोअर सर्किट हिट करने के बाद भी पौने घंटे के बाद जब ओपन हुआ तो जहाँ पर क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट उसी के पास ये ओपन हुआ और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ। तो जो प्री प्लान बनाया था हमने मार्केट ओपन होने से पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान नहीं था। लाइव मार्केट में भले ही अपॉर्चुनिटी ली थी, लेकिन जो प्री प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। ऑप्शन सेगमेंट्स में लिक्विडिटी काफ़ी कम है और जो स्प्रेड डिफरेंस है वो भी काफ़ी हाई है। तो जो ऑप्शन प्रीमियम मेंबर्स है हमारे, तो वेट एंड वॉच करें, सही राइट अपॉर्चुनिटी पे ही ट्रेड करने के लिए देखें। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है उससे पूरे दुनिया भर के मार्केट अभी इस समय गिरावट दिखाई दे रहे। तो US मार्केट भी कल गिरावट दिखाई दे रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन वहाँ पर कुछ रिकवरी आते हुए नजर आई। यूरोपियन मार्केट्स भी कभी लाल निशान में कल बंद हुए थे। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके, तो SGX निफ्टी 400 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है, चाइना मार्केट में भी बढ़त देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखे इस समय तो 400 पॉइंट्स के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है आज एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिले। चार्ट पैटर्न क्या सजेस्ट करता है ये देखेंगे। लेकिन जो कोरोना वायरस है उसके वजह से अभी जो दुनिया भर का हाल है, एक बार उसके ऊपर नज़र डालते हैं। एक दो मिनट लेते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको प्लीज़ समझाइए कि घर से बाहर ना पड़े। अगर आप घर में रहेंगे तो जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ डॉक्टर्स है, नर्स है, पुलिस है, तो जो पेशेंट है वो और उसके सर्कल में और कौन कौन लोग आए थे वो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी गिरेगा। जो लोग अभी भी घूम रहे स्टैम्प मार के, उसके वजह से ये और तेज़ी से फैल सकता है। और जो दुनिया का रिकॉर्ड है चाइना और स्पेन और इटली बना रहे, वो रिकॉर्ड हमें तोड़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी सी निगेटिव कमेंट्स है, लेकिन ये अगर हम अभी भी हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं लाते हैं तो यहाँ से स्थिति और वर्स्ट हो सकती है। इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पा रहे और कल भी लोग घर के बाहर निकल रहे थे। घर में बने रहिए तो ही इस कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम कोरोना वायरस का एनालिसिस कर रहे हैं उसका जो इनिशियल फेज था, 25 फरवरी से हम लगातार इसको एनालिसिस कर रहे थे। तो 25 फरवरी का हमारा जो वीडियो था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे, तो अगर नहीं कर रहे तो भी एक बार 25 फरवरी को जो हमने वीडियो में एनालिसिस किया था उसको एक बार सुन लेते हैं। तो ये इसका वीडियो है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं तभी क्या माहौल था और चार्ट पैटर्न में कौन सा एक सिग्नल मिल रहा था, हमें कौन सा पैटर्न मिल रहा था वो देख लेते हैं एक बार। आज 25 फरवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं, दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा है वीक की शुरुआत काफ़ी नेगेटिव रही, करीब 250 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, जो टेंशन दुनिया भर में बढ़ रहे हैं उसके वजह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट देखे इंडिया की तो काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन जो ग्लोबल रीजंस है उसके कारण इंडियन मार्केट्स में भी हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस अभी यूरोप में भी पहुंच गया है, तो इसका असर पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। पहले तो चाइना तक ये इंटैक्ट था, अभी इसके बाहर अगर आता है तो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है कि इसके ऊपर अगर कोई भी टेंशन हमें दिखाई देते तो उसका असर बाकी के छोटे छोटे बिजनेस के ऊपर भी गिरता है। तो इसका
सीधा असर उस कंट्री के इकोनॉमी पे गिरता है, तो इसके वजह से काफ़ी दुनिया भर में कल टेंशन देखने को मिले, दुनिया भर के बाजार में प्रेशर देखने को मिला। तो कल ये जो गिरावट आई थी उसके बाद आज क्या रिकवरी होगी, क्या निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। कल इसने 20 EMA को ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है, हालांकि ये वीकली चार्ट है, अभी तक वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये 20 EMA के नीचे अगर सस्टेन रहता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये फॉल दिखा सकता है। अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर ये स्विंग लो बनेगा और ये स्विंग हाई बनेगा। तो अभी यहाँ से मार्केट ऐसे डायरेक्शन में चलता है डाउन ट्रेंड में, और फिर अप ट्रेंड में इस ऐसे पैटर्न में ये ट्रेड होता है। तो अभी अगर यहाँ से ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है, ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है कम्प्लीटली इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से अपसाइड बाउंस हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो स्विंग लो बना है इसको अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से कम्प्लीटली फिर से एक बार प्रेशर निफ्टी इंडेक्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट जो है ये 50% का 11,760 के पास है, उसके बाद जहाँ से इसने 2 वीक पहले एक बाउंस बैक दिखाया था बजट के बाद 11,600, वो फिर से एक बार मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। 20 EMA के ऊपर इस वीक में क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से फिर से एक बार पर चलते हैं। ये डेली चार्ट को अगर आपने कल ध्यान से देखा होगा, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये है राइट शोल्डर, और इसके नेक लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद और भी ज़बरदस्त फॉल हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, पैटर्न होता है, बुलिश टू बेयरिश पैटर्न होता है ये ट्रेंड रिवर्सल का। तो यहाँ पर तो ये 25 फरवरी से हम कंटिन्यूस कोरोना वायरस से जो रिलेटेड न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट चार्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है इसको एनालिसिस कर रहे थे, तो उसके मुताबिक अभी यहाँ पर और भी प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, पैनिक सिचुएशन यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रही है। तो अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो इंडिया भी चाइना और स्पेन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इसका काफ़ी बुरा असर इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से अगर जो पेशेंट्स है और जो डेथ का आंकड़ा है वो ना हो कि यहाँ से बढ़े, क्योंकि जो अभी लैब्स थी वो कम थी, सिर्फ 3 या 4 लैब्स थी, वो अभी बढ़ा दी गई है, तो टेस्टिंग काफ़ी और बढ़ेगी, तो हो सकता है कि पेशेंट्स का जो नंबर है वो यहाँ से और बढ़े। तो हमें प्रिकॉशंस लेना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इस चेन को ब्रेक करना है। अगर इसमें हम फेल हो गए तो दुनिया भर में हमारे देश का नाम खराब हो सकता है, जैसे अभी चाइना का हाल है, तो इसका असर आने वाले दिनों में गिरेगा। टूरिस्ट डरेंगे इंडिया में आने के लिए, इसका असर टूरिज्म पे गिरेगा, बिजनेस में काफ़ी यहाँ से फिर ऐसा ना हो इसके लिए हमें यहाँ से ही अभी ये क्योर लेना बहुत ज़रूरी है। इसका इकोनॉमी में असर गिर सकता है, काफ़ी बुरा असर गिर सकता है, इसके बाद ये फाइनेंशियल क्राइसिस हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो घर में बने रहिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि समझ में आए कि घर में बैठना कितना ज़रूरी है। चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या कहता है इसको देख लेते हैं, वीकली चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने ड्रॉ किया था, वो एक एक करके कैसे लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, डेली चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये है डेली चार्ट जहाँ पर ये 23.6% का लेवल था, ये पहले इसने ब्रेक किया, पॉज लिया था यहाँ पर लेकिन इसको भी ब्रेक किया, फिर 38.2 को भी ब्रेक किया, 50% को भी ब्रेक किया और अभी 61.8% को भी ब्रेक करके और भी ये नीचे आ रहा है।
तो यहाँ पर अभी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है एशियाई बाजार में, हो सकता है आज बाउंस बैक देखे, लेकिन ये पैटर्न चार्ट में क्या बाउंस बैक का पैटर्न है, तो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं प्राइस एक्शन वर्सेस RSI, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से ये कंटिन्यूस लोअर बॉटम्स बना रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर स्ट्रेट हम RSI में देखें यहाँ पर नीचे, तो अभी यहाँ पर ये हायर बॉटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए हायर बॉटम्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पर हो सकता है एक बाउंस बैक आए। बाउंस बैक आने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से कि अप ट्रेंड शुरू हो जाए, नहीं, अगर यहाँ से ये थोड़ा सा भी बाउंस बैक दिखाता है तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए, प्राइस एक्शन में भी हायर बॉटम्स बनने चाहिए, तो हमें यहाँ से सिग्नल मिल सकता है कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आ सकती है जो सस्टेन करे। अगर ऐसा पैटर्न नहीं बनता है और यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर से इस स्विंग लो को ये ब्रेक करता है, तो ये कंटिन्यू यहाँ से डाउनफॉल अभी भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा पैटर्न जब पास्ट में आया था तब क्या हुआ था, ऐसा जो RSI हम अभी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में जब ऐसा हुआ था तभी क्या हुआ था वो एक बार देख लेते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे और जूम कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखिए जब भी ऐसे डाइवर्जेंस आते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ऊपर देखिए प्राइस एक्शन में ये लोअर बॉटम्स बना रहा है, लेकिन नीचे जहाँ से ये लोअर बॉटम्स बना था उसी वक्त यहाँ पर RSI में ये राइजिंग बॉटम्स बना रहा है, और प्राइस में देखिए कैसे एक बाउंस बैक आ गया, लेकिन कंटिन्यू आगे जाके ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही ये है, तो यहाँ पर जब ये बाउंस बैक आता है तो इसको कम्प्लीटली अपसाइड जाने के लिए ये इस तरह से हायर बॉटम्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो मूविंग एवरेजेस है अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में 100, 50 और 20, ये अगर असेंडिंग ऑर्डर्स में आते हैं और ऐसा पैटर्न बनता है हायर बॉटम्स का, तो यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए सस्टेन होते हुए हम कह सकते हैं। और भी कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये यहाँ पर लोअर बॉटम्स के बाद एक सिमिलर बॉटम बन रहा है, उसी वक्त नीचे प्राइस एक्शन में हायर बॉटम्स बन रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में देखिए कैसे यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, तो ये डाइवर्जेंस है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इसको समझिए। लेकिन अभी भी ये जो पैटर्न है 20, 50 और 100, ये जो तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो अभी यहाँ पर देखे तो डिसेंडिंग मूव में है। ये और एक पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए सिमिलर बॉटम्स है, लेकिन नीचे RSI को देखे तो ये हायर बॉटम्स बना रहा है, उसके बाद प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर कैसे अपसाइड मूव दिखा रही है, तो ये एक पैटर्न का ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिखाई देते तो एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है, प्राइस स्टॉक में हो या फिर इंडेक्स में हो। लेकिन अभी जो मूविंग एवरेजेस का पैटर्न है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, ये देखिए 100, 50 और उसके बाद में 20, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में होना चाहिए और उसके ऊपर ये हायर बॉटम्स बनता हुआ पैटर्न दिखना चाहिए, तो अपसाइड यहाँ से मूवमेंट कंटिन्यू सस्टेन होते हुए हम कह सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं इसे 60 मिनट के चार्ट में भी अगर कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ये लोअर बॉटम्स बना रहा है प्राइस एक्शन, लेकिन RSI में अभी यहाँ पर हायर बॉटम्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक आए, लेकिन ये कितना सस्टेन होता है ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो अगर आज निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो लो था इसके नीचे अगर चला जाता है, यानी 7580 के नीचे चला जाता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7506, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 7440, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और टूवर्ड्स अगर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर एक छोटा सा कल है कि इसने स्विंग हाई बनाया था इस लेवल के पास 7813 के पास, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर
बाय पोजीशन बना सकते हो और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7,892, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा R1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 7,985 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो इसके ऊपर अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, आज जैसे एशियाई बाजार दिखाई दे रहे हैं तो गैप अप ओपन होता है तो सेकेंड टारगेट के ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज आज भी हो सके तो अवॉइड करें ट्रेडिंग करना, सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ये प्लान है। तो आइए था आज के लिए एनालिसिस इंट्राडे के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।